जिंदा आतंकी नवेद खोल रहा है राज। नवेद ने कहां ली ट्रेनिंग, नवेद को किसने दी ट्रेनिंग, कहां से हुआ भारत में दाखिल, कैसे हुआ भारत में दाखिल, किसकी मदद से हुआ दाखिल, आतंकी नवेद सीमा पार रची गई साजिश के खुलासे कर रहा है। आतंकी नवेद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने मुजफ्फराबाद के गाड़ी हबीबुल्ला के ट्रेनिंग कैंप में 21 दिन की ट्रेनिंग ली थी और पाकिस्तान सीमा पर मानशेरा के पास शिवाई नाला में भी 21 दिन ट्रेनिंग ली थी। सीमा पार पाकिस्तान के गाड़ी हबीबुल्ला में आतंकी नवेद के साथ 200 और आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। लश्कर ने नवेद को अपने गाड़ी हबीबुल्ला के कैंप से ही कश्मीर भेजा था। इसी गाड़ी हबीबुल्ला कैंप में नवेद की मुलाकात लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के बेटे ताला सईद से हुई थी। ताला सईद के कहने पर नवेद गुलमर्ग और टंगमर्ग की सीमा पार करता हुआ कश्मीर पहुंचा। उसने सुरक्षा बलों को यह भी बताया है कि सीमा पार कराने में उसकी मदद एक चरवाहे ने की थी। नवेद ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके साथ नोमान समेत 3 और आतंकियों ने घुसपैठ की, जिनमें नोमान उसके साथ रहा, जबकि 2 अन्य आतंकी कहां गए इसकी जानकारी नवेद को नहीं है। नोमान बुधवार को बीएसएफ के काफिले पर हमले के बाद मारा गया था और वहीं से नवेद फरार होकर एक गांव में छिपा था, जहां से उसे पकड़ लिया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान नवेद ने AK-56, AK-47 ग्रेनेड और IED चलाना सीखा था। कश्मीर में 45 दिन रहने के दौरान नवेद ने अपना अधिकतर समय लश्कर के आतंकियों के साथ और जंगलों में बिताया। कश्मीर में उसकी मुलाकात लश्कर के कमांडर अबू कासिम से भी हुई थी। नवेद ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूला है कि वो मंगलवार को नोमान के साथ कश्मीर से एक आटे के ट्रक में सवार होकर जम्मू के पत्नी टॉप और कुद के इलाके में पहुंचा। मंगलवार को ये दोनों पत्नी टॉप और कुद के बीच में ही एक होटल में रुके, जहां रात में इन दोनों ने खाना खाया। बुधवार सुबह ये दोनों होटल की खिड़की से लगातार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात को देख रहे थे और जैसे ही इनकी नजर बीएसएफ के काफिले पर पड़ी, इन दोनों ने उस काफिले के सामने दावा बोल दिया और फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक नवेद ने बताया है कि जैसे ही नोमान ने इस हमले को अंजाम दिया और वो सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारा गया, वो काफी डर गया था और वहां से भागना चाहता था। नवेद ने पूछताछ के दौरान कहा है कि उसे मारने से या पकड़ने से आतंकवाद काबू में नहीं आएगा। आतंकवाद को मिटाना है तो सीमा पार बैठे कमांडरों को काबू करना चाहिए।